नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। शुक्रवार से आदित्यपुर गुमटी बस्ती में रेलवे की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम रेलवे प्रशासन द्वारा शुरू कर दिया गया। इस अभियान के दौरान 56 चिन्हित मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। अभियान में रेलवे लैंड विभाग के अधिकारी और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में कार्य किया जा रहा है। रेलवे लैंड विभाग के अधिकारी संजय कुमार गुप्ता ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत करीब 4000 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। इस भूखंड पर रेलवे का शेड बनाने की योजना है। अतिक्रमण हटाने से पहले सभी अतिक्रमणकारियों को सूचना दे दी गई थी, जिससे कई लोगों ने स्वतः ही अपने अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू कर दिया। अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। रेलवे प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अवैध अतिक्रमण हटाने की यह प्रक्रिया आवश्यक है, क्योंकि इस भूमि का उपयोग रेलवे के शेड निर्माण के लिए किया जाएगा। इस अभियान से प्रभावित 56 मकानों के मालिकों ने पहले ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया था, इसलिए तोड़फोड़ की प्रक्रिया बिना किसी बड़े विरोध के शांतिपूर्ण तरीके से चल रही। अतिक्रमण हटाने का यह अभियान आने वाले दिनों में और तेज किया जा सकता है, ताकि तय समय पर रेलवे की परियोजना को शुरू किया जा सके। रेलवे प्रशासन का यह कदम आदित्यपुर में वर्षों से चल रहे अवैध कब्जे को खत्म करने और क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर तो हमने आए थे, तीन दो दिन ऑलरेडी सब चेक कर चुके थे। यहाँ पे सेट बनेगा रेलवे का, इसके चलते हमारा लैंड जो है रेलवे ने ओनली रेलवे लैंड में जितने भी इंक्रोचमेंट है ताकि वो लैंड को हम इम्प्रूव कर सके डेवलपमेंट वर्क। कितने घरों को चिन्हित किया गया था? 56